नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने सियासी हमला बोला है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता जानती है। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि आदित्य पर आरोप है कि उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, फिर थाना प्रभारी से धक्का मुक्की की और महिला पुलिस अफसर के सामने सिगरेट पीते हुए धुआं भी उड़ाया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद आदित्य के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार मिलकर शस्त्र पूजन करते हैं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता को समझना चाहिए। कांग्रेस को इस शस्त्र पूजा की तरफ से ध्यान हटाकर उनका जो बेटा है दिग्विजय सिंह जी का, जो भतीजा है लक्ष्मण सिंह जी का, जो बेटा है, किस प्रकार से सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए किस प्रकार से समाज के अंदर पुलिस अधिकारियों का अपमान कर रहा है, उन पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समाज से माफी मांगना चाहिए अपने भतीजे के कृत आचरण को लेकर।